फोटो खींच ले बेटा, फोटोग्राफी वही व्यक्ति करता है जिसे दूसरों के घर में टांग ढाक करने की आदत है। अपनी आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा यार मेरे गला के लायक कर दे यार, थोड़ा सा। हेलो, थोड़ा कम कर। सबसे पहले आप अपने लिए ताली बजाइए। श्री राम जी का दरबार खड़ा है और श्री राम जी के दरबार में आप जैसे राम भक्त बैठे हैं। एक बार ऐसा लगना चाहिए कि हम राम पहली माए हैं। राम पहली के लोग कवियों का स्वागत कैसे करते हैं मैं देखना चाहता हूं। मुझे ये पेरोडी किंग कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं मैं देश का सबसे छोटा कवि हूं। दादा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि दादा ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। बहरहाल मेरी विधा की बात हुई है, आज मैं देखना चाहता हूं कि राम पहली के लोग मुझ जैसे छोटे कलाकार को किस रूप में स्वीकार करते हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं, इतने बड़े कवि बैठे हैं कपिल जैन जी, दादा हास्य के बड़े सम्राट नागर जी, मेरे लिए आज के कवि सम्मेलन में सफल होना असफल होना मायने नहीं रखता। मेरे लिए यही बहुत काफी है कि आज मैं दादा के श्री चरणों में काव्य पाठ कर रहा हूं। ताली कम बजाते हैं यार। देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको फंसाने के लिए, लेकिन दूसरी बात, ये कपिल जैन जी के पास पहुंचने में मुझे 23 साल लगे। मैं इस व्यक्ति को करना चाहता हूं, भाई एहसान कुरैशी जी ने शिक्षक से बात प्रारंभ करके आशाराम बापू तक बात लाई। मैं बात आशाराम बापू से प्रारंभ करता हूं और देखना चाहता हूं यदि आप मुझे दाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो मैं फेरोड़ी के तमाम प्रकार के रंग को आपको के बीच लाने का प्रयास करूंगा। चार पंक्तियां, किस के कोरी चली ओले कर प्रभु करना चाहता हूं। पेरोडी में धुन का काम है, ये सलमान खान शाहरुख खान स्टाइल के जितने हैंडसम लोग यहां बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूं मुझे थोड़ा सा ताल दे, क्योंकि ये बहुत अलग विधा है और आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरा संबल है। आइए मैं आशाराम बापू जी और उन तमाम लोगों पर एक व्यंग पेरोडी देना चाहता हूं। थोड़ा आप मुझे ताल दे कि बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। ताल प्रदे कि बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन। आज में से ज्यादा खाया हो गई रिसेंटली दुखी मन 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 मन। अब नाच है कटाना खाना पड़ेगा जाना वो सब कुछ तुझे पता है पर काम पर गलाना। अच्छा लगे तो दादे साधु चोला छोड़ के तू एक बार इंसान बन 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 बन। बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम संस्कारों की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कपिल भाई, हम सिद्धांतों की बात करते हैं, पर मैं जब वृद्धाश्रम को देखता हूँ तो मुझे ये दावे खोखले नजर आते हैं। एक माँ और एक बाप और उसका एक लौता लड़का प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर शादी करता है और शादी करने के बाद ससुराल में घर जमाई बनकर रहता है, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। और घर जमाई लोगों का क्या औकात है, मैं इस पेरोडी के माध्यम से देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा मुझे समर्थन करें, क्योंकि राम पहली के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और आप लोग जब तक हम कलाकारों को दाद नहीं देंगे तो हमें समझ में नहीं आता कि आप लोग वास्तु में हमारी बात चल रही है कि नहीं है। एक ऐसी पेरोडी मैं आपको देना चाहता हूं जो देश भर में काफी जो है चर्चित हुई। थोड़ा मुझे ताल देंगे कि तेरे बाप का, थोड़ा ताल दे कि तेरे बाप का है
जमावे से है घर जमाई का मतलब झंडो बाम बतावे से, घर जमाई का मतलब झंडो बाम बतावे से कि तेरा बाप है बिल्कुल उल्लू है बाबा जी का ठुल्लू, तेरा बाप है बिल्कुल उल्लू है बाबा जी का ठुल्लू, दो बच्चे की महतारी संग दिल्ली भागे से है मुझे गुरमित राम रहीम के जैसा लागे से। दादा कपिल भाई हम लोग जो भजन कैसे करते हैं, हाफ स्वयं के कवि को भजन कहने के लिए कहा जाए तो कैसा होगा? हाँ कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। उसको हम लोग लिखेंगे तो कैसा लेंगे? इसमें एक संदेश है कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो और माचिस का खर्चा बचाते चलो। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो माचिस का खर्चा बचाते चलो और राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी। अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना कि अभी नहीं कि राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी और नजरे बचा के उठाते चलो, नजरे बचा के उठाते। एक पिक्चर आया था, पिक्चर का नाम था ये गुलाम। गुलाम पिक्चर का एक गाना मैंने लिखा था दादा गुलाम पिक्चर का जो गाना है एक गाना मैंने लिखा था। आप लोग हंस रहे हैं, हंसने की क्या बात है? जब पांचवें खेल राबड़ी देवी बिहार की सरकार चला सकती है तो पांच विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुफट का एक गाना नहीं लिख सकता। आमिर खान ने कहा भाई मेरे लिए एक प्रेम गीत लिखिए। मैं छत्तीसगढ़ का आदमी जो है बहुत ज्यादा जो है तड़क भड़क वाला नहीं रहता, जैसा चाहे मैंने लिख दिया। स्वागत है। छत्तीसगढ़ी प्रोनाउंसिएशन करने में आमिर खान को जो है तकलीफ हुई, मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया गया, जावेद अख्तर जी से गाना लिखाया गया। अरे जावेद अख्तर के गाने को तो पूरे हिंदुस्तान ने सराहा, मैंने क्या गलती किया है? मेरे गाने को यदि राम पहले की आप सराहा देंगे तो ये मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने कैसे लिखा, आप मुझे आशीर्वाद देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में समारू और मंटोरा मैं एक ऊपर लिखी समारू कथे मंटोरा से देखेंगे आप जरूर सर। ए क्या बोलती तू तो मंटोरा, ए का मैं बोला अरे सुन सुना बाकी का नरवा पार। हमारे छत्तीसगढ़ नरवा पार से ज्यादा नहीं जा सकते देंगे। सुन सुना आती क्या नरवा पार, अरे का करूं आके मैं नरवा पार, अरे अमाची छोड़ेंगे बोईर को छोड़ेंगे कांदा को कोड़ेंगे और क्या क्या बोलती तो बढ़िया। तमाम सुनी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, 33% महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूँ, दादा को अंतिम प्रणाम करता हूँ। अंतिम प्रणाम इसलिए भाई साहब आप डबर का चौन प्रास खाते तो आपकी गारंटी पर आपके साथ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ पर आया तो एक आदमी आप ही आए थे भाई साहब, मुझे कवि सम्मेलन से ज्यादा टेंशन अपने जूतों का था। पहली बार 3000 का जूता पहन कर आया, भगवान कृष्ण चाहे देख सकते हो। हाँ हाँ बोला अध्यक्ष टावर दिखाना यार सुनना बोलो ना अल्कोहल से डरने लगा है मोला कोलाहल से डरना ठंडा रख दे सुनना तोरे लाइफ में आइटम है चिंता मत करते मोला भी चालू होंगे। सबसे ज्यादा मुझे चिंता सरपंच महोदय वो छोड़ कोई बात नहीं वो अपनी आइटम है तोरे सुनना मैं तोर रंग के भाई वो बात करूं। सबसे ज्यादा टेंशन पहली बार 3000 कोई बात नहीं उसको रहने दीजिए। पहली बार दादा 3000 रुपए का मैं जूता पहन कर आया और वो जो है खड़े होकर मेरे जूते पर
और उसकी निगाहें थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आदमी की औकात उसके जूतों से देखी जाती है। पहली बार मैं 3000 का जूता पहनकर आया और जब उस पर वहां पर नजर पड़ी तो मैं टेंशन में आ गया। तो मुझे वो पंक्तियां याद आई कि साधु नहीं संत नहीं गुरु या महंत नहीं मुझे कोई मंदिर या मठ नहीं चाहिए, कि साधु नहीं, एक पंक्ति मेरी नहीं है ना, पहले बता देता हूँ दादा, कि साधु नहीं संत नहीं गुरु या महंत नहीं मुझे कोई मंदिर या मठ नहीं चाहिए, भोगे हुए सत्य को उतारू कोरे कागजों में कविता में छल या कपट नहीं चाहिए, कि मन से सुखावे को सराहे चार सुद जन कन रसियों का जम घट नहीं चाहिए। और आया है जो कवियों के चप्पल चुराने वाले ऐसे श्रोता मंच के निकट नहीं चाहिए, आया है जो कवियों के चप्पल चुराने वाले ऐसे श्रोता मंच के निकट नहीं चाहिए। मेरे पीछे देश के तमाम शीर्षस्थ कवि मौजूद हैं। अरे ना भाई बैठ जाएगा काका, तो पाप और अथोनी तो मुला का बैगा काम धारो करे आते बैठ जाओ ठंड रहे ये बैठ जाने तुम तो माँ का संतोल में अब तो मैं कर थोड़ा जब तक मैं अपन बाई ली मैं तो हंसी बहुत गजब के यार, भगवान का संत कोलगेट वाला नहीं ना, अब थोड़ा ठंड रख थोड़ा बात करते हैं व्यंग की। मेरे साथ मेरे पीछे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे यार तू बैठ जाना भैया बैठ जा यार उधर जाके, हेलो थोड़ा बढ़ाते हैं थोड़ा मेरे सामने मेरे पीछे देश के तमाम शीर्षस्थ कवि मौजूद हैं। देश की इन तमाम शीर्षस्थ कवियों के बीच देश का सबसे छोटा कवि ये छोड़िए कोई बात नहीं, ये निवेदन के लेकर आपके बीच उपस्थित है कि म्युनिसिपल का मूल्यांकन नालियों से होता है, म्युनिसिपल का मूल्यांकन नालियों से होता है, नेताओं का मूल्यांकन गालियों से होता है, अरे हम तो आपके अपने आंगन के तुलसी हैं दोस्तों, हमारा मूल्यांकन भी आपके तालियों से होता है। ताली बजते रहना चाहिए भाई साहब, कोई बात नहीं मैडम मैडम प्लीज उसको छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूं, कोई बात नहीं चल बैठ बैठ जाए, ताली बजते रहना चाहिए भाई साहब। और जब आप ताली बजाते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी ने तमाम मतभेद भुलाकर मोदी जी को राखी बांध दिया हो। मैं यहाँ जब आया भाई साहब तो देखा कि कुछ बच्चे उछल कूद मचा रहे थे, मैंने कहा बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अरे ये तो संसद के सीधा प्रसारण देखने का नतीजा है। बहरहाल बच्चों में नेताओं के गुण तो आ गए, पर कितना अच्छा होता इन राजनेताओं में भी कुछ बच्चों के गुण आ जाते, क्योंकि मन वचन कर्म से वो सच्चे हो जाते, मन वचन कर्म से वो सच्चे हो जाते, या मौला या खुदा काश कि मेरे देश के सारे नेता बच्चे हो जाते, बच्चे हो जाते। पति पत्नी का संबंध बहुत रोचक होता है, आज भाभी जी बैठी है, पति पत्नी का संबंध बहुत रोचक होता है। मेरी पत्नी एकमात्र अधिकृत मेरे से एक दिन उन्होंने कहा, ए जी आप इतने भोले हो, इतने भोले हो, इतने भोले हो कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा भगवान शुरुआत तो तेरी ही बाप ने की थी। तो ये बहुत अलग अलग स्थिति रहती है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, आजकल बच्चे इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि मुझे कभी समझ में नहीं आता कि वास्तव में इनको क्या पढ़ाया जाता है। शिक्षक हमारे बहुत अच्छे मित्र कपिल जैन जी जो है एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे, कपिल भाई ने पूछा बेटा ये बताओ सलमान खान मलिक, अरे यार उसको छोड़ दे यार प्लीज हाथ जोड़ लो यार उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं, सलमान खान मलिक इधर देखे थोड़ा, कपिल भाई ने पूछा बच्चे देखे कितना हाईटेक हो गए, सलमान खान मलिका शेरावत तो महात्मा गांधी में क्या समानता है। छात्र ने कहा कि तीनों में ही एक ही समानता है कि तीनों ने कपड़े उतारे, अंतर क्या है, अंतर इतना है सर सलमान ने ऐश के लिए कपड़े उतारे, मलिका शेरावत ने कैश के लिए कपड़े उतारे, लेकिन गांधी जी ने देश के लिए कपड़े उतारे। ये तीनों के बीच का जो है अंतर है। इसी प्रकार थोड़ा ध्यान छोड़ यार वो यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सब बड़े कवि हैं, किसी के पास अकल है किसी के पास शकल, अपने पास साला दोनों ही नहीं है, अकल होती तो अंबानी होते, शकल होती तो शाहरुख खान होते, अब कुछ नहीं है तो मुंहफट बन गए। और जब मुंहफट बन ही गए हैं तो हमारी पत्नी ने कहा
कि हमारे ऊपर भी एक कविता लिखो। तो हमने अपने पत्नी को मेरे कविता लिखा और यदि आपको अच्छा लगे तो ताली बजाएंगे तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगेगा। मैंने कैसे लिखा दादा? खुशी की चाह दिल में रख, मैं जब भी घर को आता हूँ। वाह तो बोलो यार, ये ऐसा लगना चाहिए यार कि खुशी की चाह दिल में रख, मैं जब भी घर को आता हूँ और चाय ठंडी मुझे मिलती, गरम बीबी को पाता हूँ। अब अच्छा लगे तब आशीर्वाद देना। चाय ठंडी मुझे मिलती, गरम बीबी को पाता हूँ। पड़ोसन की नजर अक्सर ही मुझ पर वार करती है, वो कैटरीना सी लगती है, खुद को सलमान पाता हूँ। कैटरीना सी लगती है, खुद को सलमान पाता हूँ। मैं चीज देख रहा था नागर जी, सबसे भाग्यशाली श्रोता इधर बैठे हैं। इधर इसलिए बैठे हैं, इसमें सबसे सौभाग्यशाली श्रोता वो हैं जो चेंदवा है। चेंदवा समझते हो जी? मतलब जिनका वो पीछे लाइन सभी जो है बैठे हैं, ये सबसे सौभाग्यशाली श्रोता है। ये सबसे सौभाग्यशाली श्रोता जो है वही होते हैं जो चेंदवा होते हैं। किसी पुरुष के सिर पर दो महिलाएं ही हाथ फेर सकती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ जब बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है तो काले काले घने घने घुंघराले बाल आते हैं, और पत्नी जब हाथ फेरती है तो यह गति होती है। और भैया का चेंदवा देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरा मोहल्ले ने इनके सिर पर हाथ फेर रखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मित्रों, कुछ बात संदेश की जो है इन पंक्तियों के साथ जो है होना चाहिए। लेकिन सभी यहाँ बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं और इन कवियों के बीच मैं चाहता हूँ हास ओम के कुछ और पैरोडी से जोड़ने के बाद, मैं ज्यादा प्राणिक हूँ आपका, हास ओम के कुछ पैरोडी जोड़ने के पहले मैं चाहता हूँ, कोरोना के समय आपने ये देखा कि बहुत सारे हमारे पुलिस के जवान, मैं पुलिस वालों को विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ। विशेष प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का परिश्रम करके वो हमारी सुरक्षा करते हैं, छोटी मोटी बात नहीं होती। पर ऐसे लोगों को कोई दो कौड़ी का नेता यह कहे कि कश्मीर में पुलिस महिलाओं के साथ बलात्कार करती है तो हास्यवन के भी कभी को यह बताना पड़ता है, ये पंक्ति हास्य के नहीं है। लेकिन मेरा जवाब है, और यदि जवाब अच्छा रहे तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। ओज के बहुत बड़े कवि मेरे भाई देवन बैठा है, ये आप ओज से जुड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पंक्ति आप सुन लीजिए। दादा एक अच्छी पंक्ति आप सुनेंगे। स्वागत है भैया। वतन पे खुद को लुटाओ तो कोई बात बने। अच्छा पंक्ति, अब मैं ये देखना चाहता हूँ आप अच्छा पंक्ति को किस प्रकार का दाद देते हैं। वतन पे खुद को लुटाओ तो कोई बात बने, मशाल दिल में जलाओ तो कोई बात बने। और जवाब यदि मैंने सही दी तो पूरा सदन जो है मुझे आशीर्वाद देना। कि सैन्य शक्ति को शर्मसार करने वाले सुन, बर्फ में खुद को गलाओ तो कोई बात बने। हमारे देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो हाफिज सही जवाब देते हैं देवेंद्र, कि हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा इसका जो है परिणाम। तो मुफट लिखता है, मुर्गे की मांग से सूरज नहीं निकलता है, मुर्गे की मांग से सूरज नहीं निकलता है, शकुनी चाल से चेहरा नहीं बदलता है। पंक्ति अच्छा लगे तो सदन आशीर्वाद देना। गिरगिट की तरह से रंग बदलने वालों, कुत्ते के भौंक से क्या शेर कभी डरता है। कुत्ते के भौंक से पाकिस्तान के जितना टोटल आबादी नहीं है उतना ज्यादा भारत में कुकुर मन की संख्या है। भारत के कुकुर मन तो टेंशन में आके कारगिल के चोटी में चढ़ के डेरे बोले उठा दी तो पाकिस्तान में आबादी। ये पाकिस्तान के औकात है। तो मैं कहता हूं कि अगर इज्जत से रहते हो तो पूरा लाड़ देंगे हम। अब तो वाह बोलो यार,
करेगी। जब से रहते हो तो पूरा लाड़ देंगे हम, बुरी यादों के पन्नों को स्वयं ही फाड़ देंगे हम। अब पूरा सदन आशीर्वाद देना। मगर कश्मीर में अलगाव की साजिश न तुम रचना, और नहीं तो घर में घुस करके तिरंगा गाड़ देंगे, नहीं तो घर में घुस करके तिरंगा गाड़ देंगे। एकर से ज्यादा ज्ञान के पंक्ति में नहीं बोल सका, दो चार करोड़ी और सुन लीजिए, उसके बाद में भी सभी को पास हिंदुस्तान में बहुत पुरुषार्थ लोग हुए हैं। पंजाब के घटनाक्रम को देखिए। सरदार जी बड़ा दुख दीना, कैप्टन साहेब को बड़ा दुख दीन, कुर्सी से हटाया, सीएम चन्नी को बनाया, पार्टी को झटका दीना, बड़ा दुख दीना। कैप्टन साहेब की लालू तुक मालिका, वाह तो बोलो यार, लालू तू कमाल का, घोटाले कमाल की, और भैंसी भूखी मर गई, तूने गाल लाल की, खायो रे खायो रे खायो रे खायो रे लालू चारा खायो, लालू चारा खायो, लालू चारा खायो, उसे बेउर भायो। अब एक ऐसी गोत्री को मैं प्रयोग देना चाहता हूं, मैं यहां से पेरोडी कहूंगा तो क्या मतलब है, ये हिंदुस्तान में पेरोडी को काफी आशीर्वाद दे मिला है, हिंदुस्तान से के से जहां से मिला है वो मैं नहीं जानता। राम की नगरी राम पहली में यदि आप जैसे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको आखिरी में लालू लालू बोलना है, क्या बोलेंगे, जोर से बोलिए, बस हो गया मेरा काम। आदरणीय नागर जी, बिहार में यदि इलू इलू गाना को सिटी कहा बजाते हैं, मैं सिटी के लिए उपयुक्त आइटम नहीं हूं भाई, हेलो, बिहार में लालू जी का इतना प्रभाव है, यदि इलू इलू गाना को बिहार में लिखा जाता तो कैसा लिखा जाता, आपको आखिरी में क्या कहना है, अब थोड़ा ताल दे, लालू लालू ताल दे, लालू 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 ताल कम है, लालू 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 लालू। जब पटना में कोई चारा चरे तो भैंसों ने कहा, लालू लालू नहीं, जोर से बोलिए, लालू 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 लालू। जब पटना में कोई चारा चरे तो भैंसों ने कहा, लालू 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 लालू। प्लास्टिक के बदले में कुल्हड़ चले तो पुलियों ने कहा, लालू 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 लालू। जब कोई जोकर लगता है ठगिया बन कर, जब ठगता है तो दिल कहता है, लालू 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 लालू। ये लालू लालू क्या है, लालू 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 का मतलब है चालू, लालू का मतलब कांटालू, लालू का मतलब थोड़ा और खालू, लालू 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 लालू। अब अच्छा लगे तो ताल ताल ताली दे। वो हिंदुस्तान में आदमी बाहर से कितना भी अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन अंदर से नारायण दत्त तिवारी ही होता है, क्योंकि कारण है ऐसे ऐसे टॉनिक आ रहे हैं, भगवान का समाचार हूं, ऐसे ऐसे टॉनिक आ रहे हैं कि आदमी 80 साल की उम्र में भी 90 साल की उम्र में भी जो है बाप बन जाता है। मेरा आखिरी आइटम है, आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद जो है देकर जो है मेरा मान मतलब मेरा जो इज्जत रखे। ये भांगड़ा के धुन पे थोड़ा ताल दे, एंडी तिवारी ओहदे में भारी, हुस्न का पुजारी देखो ओए ओए कैसी है लाचारी, बेटे से गद्दारी पाप का कलंक तू ढोए ढोए, अरे 90 साल का बूढ़ा हूं भी बाप बन गया, मैं तो एवी 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 लुट गया,
मैं तो एवी लुट गया, मैं तो एवी में। अरे जनता से हमको क्या लेना, वोट की नैया है खेना, वायदों के फुलझड़ी से रोशनी जनता को देना। कुर्सी तेरी जिंदगी है, कुर्सी तेरी बंदगी है, और सही बात हो तो आशीर्वाद देना। कुर्सी तेरी जिंदगी है, कुर्सी तेरी बंदगी है, कुर्सी के चरणों को जाके चूम। अरे धूम बचा ले। छत्तीसगढ़ी भांगड़ा अंतिम आइटम है मेरा। छत्तीसगढ़ी आप लोग समझते हैं, मैं अपने छत्तीसगढ़ का एक रंग देना चाहता हूँ। आप लोग छत्तीसगढ़ी कितने लोग समझते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बड़ा भाई है, हम आपके छोटे भाई हैं। भांगड़ा छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखते भाभी जी? उसके पहले मैं संजय सिसोदिया जी को बहुत प्रणाम करता हूँ, तमाम कोरोना वीरों को प्रणाम करता हूँ। देश के बहुत बड़े कवि और मेरे बड़े भाई भाई सफर जौनपुरी को प्रणाम करता हूँ। भगवान का संभी इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपका नहीं कर सकता, तो प्रणाम करता हूँ। ये हास्य के बड़े कवि हैं, इसलिए हास्य के तमाम चेहरों को जानते हैं, और चरित्रवान तो इतने ही दोस्तों की पड़ोसन को भी पत्नी मानते हैं। ये अपनी अपनी बात है। छत्तीसगढ़ का जो है एक आइटम मैं देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में आइटम बहुत हिट है, दादा थोड़ा वो समझेंगे। एक सरदार जी मेरे पास आए और आकर कहने लगे, दम है तो छत्तीसगढ़ी में भांगड़ा लिख कर बताओ। कबीर भाई समझना। तो मैंने बोला, यार हम तो मीटर में लिखने वाले लोग हैं, बताइए मीटर क्या है? तो मीटर है, ठीक है ठीक है, कुछ मत भाई, अब कद मोर भाई मोर नहीं कुछ है, भगवान से बताओ नहीं कुछ नहीं। तो बहुत मेरे से ज्यादा बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी आदमी पूरा विश्व में नहीं है, मात्र दो बच्चों का बाप हूँ, उसको ठीक मत पूछ। देखिए भांगड़ा का छत्तीसगढ़ी भांगड़ा बहुत नया आइटम है, छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी भांगड़ा लिखने की कोशिश की है। मैं देखता हूँ, मीटर बताओ, बोले मीटर। अरे वारे बरसी खटन गया सी, अरे हाँ खटके ले आंदे बताशा, ओ भंगड़ा ता सजदा है, ओ जब नाचे दूल्हे दे चाचा, हो भंगड़ा ता सजदा, जब नाचे दूल्हे दे चाचा हो। ये उधारी का आइटम, इसमें ताली नहीं बजाना है, अब ओरिजिनल आइटम पे बताना। छत्तीसगढ़ी भांगड़ा देखिए, मैं देखना चाहता हूँ मध्य प्रदेश बड़ा भाई छत्तीसगढ़ छोटा भाई को किस प्रकार जो है सम्मान देता है। कि अरे कुकरा पोसे कुकरी पोसे, कुकरा यानी क्या बोल, मुर्गा मुर्गी। अरे कुकरा पोसे कुकरी पोसे, अरे हाँ पोसे कुकुर के पिलुआ, पोसे कुकुर के पिलुआ, अब आप बता देना है। तो भंगड़ा ता सजदा है, ताल होना, और जब नाचे भटो मोर बिलुआ, हो भंगड़ा ता सजदा, जब नाचे भटो मोर बिलुआ, हो भंगड़ा ता सजदा। बरी खबे की बिजोरी खबे, कुकरा खाके तह कहा जाबे, कि तोरे दाई लाया थे टोना, यही बात के हे रोना, हाथ माली बुचानी चारू माधरे पानी। अच्छा लगे ताल देना, हाथ माली बुचानी चारू माधरे पानी, कैसे चूंदी लछरिया हाय, बैगा झूपत झूपत, बैगा झूपत झूपत, जब झूपत झूपत आए। और चार पंक्ति कहते हुए अपना जो है स्थान मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। मित्रों, सबसे पहली बात, मैं आदरणीय सफर जौनपुरी जी का विशेष आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कवि को अवसर दिया। मैं आदरणीय दादा का बहुत आभार मानता हूँ, दादा जैसे शीर्षक व्यक्तित्व जो है यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनको प्रणाम करते हुए इनको ये करता हूँ। पवार राजस्थानी जी ने चार पंक्तियाँ बहुत अच्छी कही है, आखिर हम घूम फिर कर जो है देश में ही आते हैं, कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेंगे हर कफन लाश के पर शमशान नहीं बदलेगा, हम बदलेंगे तुम बदलोगे हिंदुस्तान।